एवरीवन, वेलकम टू बुंदेलखंड सिस्टर्स। और आज मैं बनाऊंगी 2 मिनट एग फ्राइड राइस। तो ये है चावल, 2 अंडे और मैंने लिए हैं 3 शिमला मिर्च। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पैन में रिफाइन मैंने ऐड कर दिया है, आप घी और बटर भी ले सकते हैं। अब ऐड कर दीजिए अपनी शिमला। अब इन सभी को अच्छे से चला लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए कुछ चीज़ें। मैं डालूंगी सबसे पहले भुना और पिसा हुआ जीरा। तो अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग। और डालूंगी इसमें नमक। नमक याद रखिए मैं इसमें एक ही बार में डाल रही हूँ, राइस और अंडे सबके हिसाब से। और अब इन सभी को चला लीजिए और इसको कवर करके पका लीजिए ताकि शिमला मिर्च सारी अच्छे से पक जाएं। अब ले लीजिए अंडे और अब इसे अच्छे से फेंक लीजिए। बहुत अच्छे से फेंकिएगा, एकदम फ्लफी हो जाए, बहुत अच्छा सेना हो जाए। तो अंडे को मैंने फेंट लिया, ये होने चाहिए कुछ इस तरह से। तो ये हो गई है 3 शिमला मिर्च अच्छे से। अब इसमें ऐड कर दीजिए अंडे को और इसको चलाइए, तेज कर दीजिए गैस इस टाइम और इसको चलाते जाइए। ये पूरा एकदम अच्छे से अंडा जब इसमें पक जाएगा तब हम ऐड कर देंगे चावल। तो ये अंडा भी अच्छे से पक गया है, कुछ इस तरीके से इसको पका लीजिए, इस तरीके से इसको कैच भी कर लीजिए ताकि जो कमी है वो भी पूरी हो जाए और ये अच्छे से गल जाए शिमला मिर्च भी और अंडा भी अच्छे से पक जाए। अब बस ऐड कर दीजिए इसमें राइस, हाथ से फोड़ कर डालिए ताकि ये चिपके नहीं, और इसको कर लीजिए अच्छे से मिक्स। अब कर लीजिए इनको अच्छे से मिक्स तरीके से। तो ये मिक्स मैंने कर दिया, रख दीजिए 5 सेकंड कवर करके और बस फ्राइड राइस रेडी है। तो 2 मिनट फ्राइड एग राइस हो गया है एकदम रेडी। सर्व करिए किसी भी चटनी के साथ या नहीं है तो ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। बाय।